तो अनुशीलनी वन बी क्वेश्चन नंबर थ्री प्रश्न अच्छी जे वज्र गुणन प्रणाली बा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्यवहार करी तले दे जाइथिबा सह समीकरण गुड़िकर समाधान कर। देख पूर्वर मु तुमको वज्र गुणन प्रणाली रे सह समीकरण गुड़िकर समाधान किपरि करा जाए से विषय रे सिखे दीची। अरे इंट्रोडक्शन क्लास रे मु तुमको तीनोटी पद्धति सिखेली सह समीकरण गुड़िकर समाधान करने प्रतिकल्पन पद्धति अपसारण पद्धति एवं वज्र गुणन पद्धति। वज्र गुणन सूत्र मु तुमको सिखे देती तेणु से ही सूत्र को व्यवहार करके तुम यही सब प्रश्न समाधान बहुत सहजरे करदे पार कि पार्वनी करदे पार निश्चित भाव में कहीं पूर्व मु तुमको सिखे देती। चलो तुम निजे कर बेस्ट ऑफ लक मुझे जाऊँ मत प्रबल थंडा है तेणु तुम निजे कर आज क्लास को आम ये रखा धन्यवाद। ठीक अच्छे जाऊँ पलि तो ना मत ही करते पड़ो तुम्हें थोड़ा ना करा को निजे करनी मो ऊपर डिपेंड हो रुह सब बड़े। चलो ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर थ्री को देख वज्र गुणन प्रणाली में निम्नलिखित तो सह समीकरण गुड़िकर समाधान कर है। चलो बीट वन को लक्ष्य कर कितु सूत्र मन रखिथ है सूत्र मन रखिथ आउ इंट्रोडक्शन क्लास तो निहाती देखी थो जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास देखी नाई मुझ डेस्क्रिप्सन बक्स लिंक भी देदेगी लिंक उपर क्लिक करके इंट्रोडक्शन भिड भी देखी नहीं पारे। चलो वर्तमान बीट वन को लक्ष्य कर प्रश्न अच्छी जे एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वाल टू जीरो इक्वेशन वन एवं टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वाल टू जीरो इक्वेशन टू। वर्तमान देख दुईट समीकरण आमको मिली जाठार ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू आी टू को आमको चिह्नट करने पड़ो निजे कह ए वन किए बी वन किए आउ सी वन किए। प्रथम समीकरण रे ए वन किए एक्स पाखे जी अच्छी सी हूँ ए वन एक्स पाखे कहीं नहीं मैंने किए अच्छी वन अच्छी तो ए वन हूँ वन बी वन किए वाई पाखे जी अच्छी मैंने टू सी वन किए जी एका अच्छी मैंने वन बुझीगला ए वन बी वन सी वन को आम चिह्नट करदेलु। वर्तमान ए टू बी टू आउ सी टू को चिह्नट करवा देख द्वितीय समीकरण रे ए टू किए एक्स पाखे किए अच्छी टू ए टू हूँ टू बी टू के बी टू हूँ वाई पाखे जी अच्छी मान माइनस थ्री सी टू के सी टू हूँ माइनस ट्वेल्व बुझीगला ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू आउ सी टू आम चिह्नट करदे ए वन हूँ बी वन टू सी वन हूँ ए टू हूँ टू बी टू हूँ माइनस थ्री सी टू हूँ माइनस ट्वेल्व बुझीगला। चलो वर्तमान आम वज्र गुणन सूत्र प्रयोग करी सरल सह समीकरण गुड़िकर समाधान करिबा बुझीगला तो यही सरल सह समीकरण समाधान करने आमको वज्र गुणन सूत्र प्रयोग करने पड़ो लेख वज्र गुणन सूत्रानुसारे सूत्रानुसारे भल भाव लिख नूत्रानुसारे लिखिदेव दंतेश सूत्रानुसारे बुझीगला। चलो वज्र गुणन सूत्र कहार कहार मन अच्छी कह एक्स बाय बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई बाय सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू वन बाय ए बी माइनस ए बी वन टू टू वन वन टू टू वन वन टू टू वन मन अच्छी तो आम सूत्र कौन है गला एक्स बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू वाई बाय सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन बुझीगला। चलो वर्तमान एक्स डिवाइडेड बाय बी वन जगह कौन लिखा बी वन जगह लिखा टू इंटू सी टू जगह कौन लिखा माइनस ट्वेल्व माइनस बी टू जगह कौन लिखा बी टू जगह लिखा माइनस थ्री इंटू सी वन जगह कौन लिखा वन इज इक्वल टू वाई बाय सी वन जगह कौन लिखा वन इंटू ए टू जगह कौन लिखा टू माइनस सी टू जगह कौन लिखा माइनस ट्वेल्व इंटू ए वन जगह कौन लिखा वन बुझीगला ना। चलो इज इक्वल टू वन बाय ए वन ए वन जगह लिखा वन इंटू बी टू जगह कौन लिखा माइनस थ्री माइनस ए टू जगह कौन लिखा टू इंटू बी वन जगह कौन लिखा टू बुझीगला। चलो वर्तमान आम पाइबा एठारे एक्स डिवाइडेड बाय बार दुणे चबीश माइनस बार अच्छी तो माइनस चबीश हो माइनस बार दुणे माइनस चबीश एठारे माइनस माइनस प्लस
तीन के तीन चौबीस माइनस चौबीस युक्त तीन समान वाई डिवाइडेड बै दुई के दुई माइनस माइनस हो प्लस बार के बार इज इक्वल टू आर पाखे अच्छी वन डिवाइडेड बै माइनस तीन के माइनस तीन माइनस दुई दुणे चार बुझीगला तो आम पाइबा एक्स डिवाइडेड बै माइनस चबिश प्लस तीन हो माइनस एक इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बै बार युक्त दुई के चौदह इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बै माइनस तीन माइनस चार हो माइनस सात बुझीगला तो ये सब गुड़ा सामान एक्स बै माइनस एक जहाँ वाई बै चौदह से वन बै सात भी से वन बै माइनस सात बुझीगला ना तो आम एमती लिखिदार एक्स बै माइनस एक जहाँ एक बै माइनस सात से बुझीगला तो लेख एठारे एक्स बै माइनस एक सामान एक बै माइनस सात तो माइनस एक एक्स तले हरण हो आर पाक गले गुणन हो आम पाइबा एक्स इज इक्वाल टू माइनस एक डिवाइडेड बै माइनस सात बुझीगला ना आर पाक जाइ एक्स सहित गुणन हो गला एक्स सहित माइनस एक गुणिले आम पाइबा से माइनस एक उभय लब आउ हर रु माइनस कैनसल होमें पाइबा एक बै सात सात तीन एक अर्थात एक्स रान आम पाई तीन एक्स रान के तीन बुझीगला ठीक से भाया वाई बै चौदह सामान एक बै माइनस सात या भी तुलना कर लेख पुणी पुणी आम लिखिपर वाई बै चौदह सामान एक बै माइनस सात ये चौदह अच्छी वाई तले हरण होर पाक गले गुणन हो तो आम पाइबा वाई सामान चौदह डिवाइडेड बै माइनस सात सात काट सात दुणे चौदह माइनस अच्छी तो माइनस दुई वाई रान आम पाइबा माइनस दुई वाई रान के माइनस दुई बुझीगला एथेरे कहार किसी डाउट ना तो आम एक्स रान के तीन वाई रान के माइनस दुई बहुत सहज कि नहीं वज्र गुणन सूत्रटा मन रखिदि आपे आपे हो सब गुड़ा समाधान बुझीगला ना चलो एथि सहित क्वेश्चन नंबर थ्री बीट वन प्रश्नर समाधान सरी जा वर्तमान देखिबा बीट टू प्रश्न कौन अच्छी वर्तमान बीट टू प्रश्न अच्छी जे टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वाल टू वन एवं टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वाल टू थ्री देख यही समीकरण दुईटी सरल सह समीकरण साधारण रूप से ना सरल सह समीकरण साधारण रूप कौन ना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वाल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वाल टू जीरो अर्थात डाण पाखे सब शून्य रहा आवश्यक एटारे डाण पाखे शून्य ना आम कौन करवा ना यही समीकरण दुईटी को सरल सह समीकरण साधारण रूप को लेकिन आसवा प्रथम देख कह जा टू जे टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन कौन करवा जो वन अच्छी डाण पाखे तुम बाम पाक फिंगी दि सी टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस वन आर पाक जाइन हो माइनस वन इज इक्वाल टू जीरो नुहे कि डाण पाखे कौन रहीगला शून्य बर्तमान ये हीगला आम समीकरण एक ठीक से भाया द्वितीय समीकरण अच्छी टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वाल टू थ्री या आम सरल सह समीकरण साधारण रूप को आणले एमती लिखा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री डाण पाखे जो प्लस थ्री अच्छी आर पाक जाइन हो माइनस थ्री हो माइनस थ्री इज इक्वाल टू जीरो बुझीगला तो ये रहा आम समीकरण दुई समीकरण एक समीकरण दुई आमको मिल जा बर्तमान आम कौन करवा ना एठार ए वन बी वन सी वन आउ ए टू बी टू आउ सी टू को चिह्नट करवा वज्र गुणन पद्धति रे समाधान करने लेख ए वन केते दुई बी वन केते पांच सी वन केते माइनस एक बुझीगला से भाया ए टू केते दुई बी टू केते तीन सी टू केते माइनस तीन बुझीगला ए वन बी वन सी वन एवं ए टू बी टू आउ सी टू को आम चिह्नट कर देचु वर्तमान वज्र गुणन सूत्र प्रयोग करवा लेख वज्र गुणन सूत्रानुसारे सूत्र कौन कह देखा एक्स बै बी सी माइनस बी सी इज इक्वाल टू वाई बै सी ए माइनस सी ए इज इक्वाल टू वन बै
एबी माइनस एबी, वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन, बुझीगला। तो x डिवाइडेड बाय b1 जगह रे कौन लिखिबा 5 गुणन c2 जगह रे कौन लिखिबा माइनस 3 माइनस b2 जगह रे कौन लिखिबा 3 c1 जगह रे कौन लिखिबा c1 जगह रे लिखिबा माइनस 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 जगह रे लिखिबा माइनस 1 a2 जगह रे लिखिबा 2 वियोग c2 जगह रे लिखिबा माइनस 3 एवं ए वन जगह लिखिबा कौन लिखिबा ए वन जगह दुई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ए वन जगह लिखिबा दुई बी टू जगह लिखिबा तीन माइनस ए टू जगह लिखिबा दुई गुणन बी वन जगह लिखिबा पांच तो मोट ऊपर हमको मिलिबो एक्स डिवाइडेड बाय पांच त्रि हिजिबो पंदर माइनस तीन अच्छी ना तो माइनस पंदर होठार देख माइनस माइनस हो प्लस तीन गुणन एक होन बुझीगला बुझीगला ना है माइनस माइनस हो गला प्लस तीन के होगा तीन बुझीगला इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय दुई के दुई माइनस एक अच्छी मान हो माइनस दुई माइनस माइनस हम प्लस तीन दुणे हम छज इक्वल टू आर पाखे कौन अच्छी वन डिवाइडेड बाय तीन दुणे छ वियोग पांच दुणे दस अर्थात आम पाइबा एठारे एक्स डिवाइडेड बाय माइनस पंदर युक्त तीन केते हम तो माइनस पंदर प्लस तीन हो माइनस बार इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय छ वियोग दुई हो चार समान एक बाय छ वियोग दस हो माइनस चार बुझीगला चलो वर्तमान तुलना करिबा एक्स बाय माइनस बार समान एक बाय माइनस चार एवं वाई बाय चार समान एक बाय माइनस चार सबुगुड़ा समान ना तो आम एमती लिखिदे पारिबा लेख एठारे एक्स बाय माइनस बार समान एक बाय माइनस चार माइनस बारटा आर पाक गले गुणन हो तो आम पाइबा एक्स समान माइनस बार डिवाइडेड बाय माइनस चार उभय लब आउ हर रु माइनस कैनसल हो चारि तीर बार अर्थात एक्स रान आम पाइबा तीन बुझीगला से भाया देख पुणी आम लिखिदार वाई बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय माइनस फोर लेख वाई बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय माइनस फोर ये जो फोरटा वाई तले हरण हो चार पाक गले कौन हो गुणन हो तो आम पाइबा वाई इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर चारि के चार माइनस एक तो वाई रान आम पाइबा माइनस एक अर्थात एक्स रान बाहर तीन एवं वाई रान बाहर माइनस एक बुझीगला तो एथ सहित क्वेश्चन नंबर थ्री बी टू प्रश्न समाधान सरी जा बर्तमान देख बी थ्री प्रश्न अच्छी जे एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस वन इज इक्वाल टू जीरो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट इज इक्वाल टू जीरो तो यही दुईट समीकरण सरल सह समीकरण साधारण रूप से अच्छा तेणु समाधान करने आमको किसी भी असुविधा हम ना आउ गोटे कथा लक्ष्य कर एठारे बीट थ्री प्रश्न जहाँ अच्छी बीट फाइव प्रश्न ठीक से ही अच्छी तेणु बीट फाइव प्रश्न अलग समाधान करने कौन से आवश्यक ना दुईटा प्रश्न सामान अच्छी तो एनसर भी सामान ही आसब बुझीला ना चलो बर्तमान बीट फाइव आउ बीट थ्री प्रश्न समाधान करवा बीट थ्री प्रश्न अच्छे एठारे जे एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस वन इज इक्वाल टू जीरो या दबा समीकरण एक एवं टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट इज इक्वाल टू जीरो या दबा समीकरण दुई बुझीगला तो ये दुईटा समीकरण रे आमको ए वन बी वन सी वन एवं ए टू बी टू आउ सी टू चिन्हट करने पड़ो कह ए वन किए अच्छी एक्स पाखे किए अच्छी कहीं ना कहीं नहीं मैंने वन लिखा बुझीगला ना तो ए वन होउची वन बी वन किए ना वाई पाखे जी अच्छी वाई पाखे अच्छे सिक्स तो बी वन होठे सिक्स सी वन केते वन से भाया ए टू द्वितीय समीकरण को लक्ष्य कर एक्स पाखे किए अच्छी दुई तो ए टू होठे दुई बी टू किए बी टू होन सी टू किए आठ बुझीगला तो ए वन बी वन सी वन एवं ए टू बी टू आउ सी टू को आम चिन्हट कर देचु तापर आम वज्र गुणन सूत्र प्रयोग करिबा लेख वज्र गुणन
सूत्रानुसार वज्र गुणन सूत्र कौन अच्छी ना एक्स बै बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई बै सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू वन बै ए बी माइनस ए बी वन टू टू वन वन टू टू वन वन टू टू वन बुझीला तो x डिवाइडेड बाय b1 जगह हमें कौन लिखिबा b1 जगह लिखिबा 6 c2 जगह लिखिबा कौन 8 माइनस b2 जगह कौन लिखिबा 3 इनटू c1 जगह कौन लिखिबा 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 जगह लिखिबा 1 a2 जगह लिखिबा 2 माइनस c2 जगह लिखिबा 8 आउ a1 जगह कौन लिखिबा 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए वन जगह लिखिबा 1 बी टू जगह लिखिबा 3 माइनस ए टू जगह लिखिबा ए टू जगह लिखिबा 2 एवं बी वन जगह लिखिबा 6 बुझीला तो मोट ऊपर हमें पाइबा x डिवाइडेड बाई 8 6 48 वियोग 3 के 3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 के 2 वियोग 8 के 8 समान 1 डिवाइडेड बाई तीन के तीन वियोग छदुणे बार तो मोट उपरे आम पाइबा एक्स डिवाइडेड बाई जदि आम अड़चाश रु तीन वियोग करवा आम पाइबा पैंचाश समान वाई डिवाइडेड बाई दुई रु आठ वियोग कले आम पाइबा माइनस छ एवं वन डिवाइडेड बाई तीन रु बार वियोग कले के आसब न आसब ना माइनस न आसब ठीक अच्छे बार रु तीन वियोग कले के नौ तीन रु बार वियोग कले माइनस नौ बुझीला चलो बर्तमान आम कौन करवा कंपेयर करवा तुलना करवा एक्स बै फोर्टी फाइव इज इक्वाल टू वन बै माइनस नाइन लेख एठारे एक्स बै फोर्टी फाइव इज इक्वाल टू वन बै माइनस नाइन तो एक्स रान के फोर्टी फाइव डिवाइडेड बै माइनस नाइन नौ पंचा पैंचाश माइनस फाइव तो एक्स रान आम पाइबा माइनस फाइव से भाया पुणी आम एठार तुलना करवा वाई बै माइनस सिक्स इज इक्वाल टू वन बै माइनस नाइन लेख वाई बै माइनस सिक्स इज इक्वाल टू वन बै माइनस नाइन तो वाई रान एठार कौन आस माइनस सिक्स डिवाइडेड बै माइनस नाइन तो यठार देख माइनस माइनस कैनसल हो गला सिक्स बै नाइन दुई दुई कटबनी तीन में कटो तीन दुणे छन तीन नौ दुई बै तीन तो वाई रान आम पाइबा टू बै थ्री बुझीला तो एक्स रान आम पाइबा माइनस फाइव एवं वाई रान पाइबा टू बै थ्री बुझीला तो एथसत तो बीट थ्री आउ बीट फाइव प्रश्नर समाधान सरी जाइए बर्तमान आम बीट फोर प्रश्नर समाधान करवा देख बीट फोर प्रश्न अच्छी जे एक्स बै ए प्लस वाई बै बी इज इक्वाल टू ए प्लस बी एवं एक्स बै ए स्क्वायर प्लस वाई बै बी स्क्वायर इज इक्वाल टू टू तो यही दुईटी समीकरण सरल सह समीकरण साधारण रूप से अच्छा कि ना नहांती कहीं कहीं एम डाण पाखे शून ना तेणु आम कौन करवा ना प्रथम एम को सरल सह समीकरण साधारण रूप को लेकिन जीवा बुझीला ना तो कमी ना देख प्रथम समीकरण अच्छी एक्स बै ए प्लस वाई बै बी इज इक्वाल टू ए प्लस बी ये प्लस ए प्लस बी अच्छी तुम्हें बाम पाक फिंगि दि से बाम पाक जा माइनस ए माइनस बी इज इक्वाल टू जीरो बुझीला तो बर्तमान आम कौन करवाठार माइनस कमन नवा माइनस कमन ने भितर रही ए प्लस बी बुझीला ना अरे जदि माइनस ए माइनस बी रु आम माइनस को कमन नहीं जावा भितर कौन रे प्लस बी तुम्हें चाहिए पुणी माइनस को भितर गुणन करदे पार अर्थात बंधनी अपसारण करदे पार माइनस ए हो प्लस माइनस माइनस बी हो बुझीला ना चलो तापर देख द्वितीय समीकरण अच्छी एक्स बै ए स्क्वायर प्लस वाई बै बी स्क्वायर इज इक्वाल टू टू ये जो प्लस टू अच्छी बाम पाक गले माइनस टू इज इक्वाल टू जीरो टू तो आर पाक पलैला डाण पाखे किसी ना मैंने कौन अच्छे शून बुझीला तो ये गला आम समीकरण दुई बर्तमान समीकरण एक आ समीकरण दुई आम बाहर कर देचु एबे एठारे ए वन बी वन सी वन एवं ए टू बी टू आउ सी टू को आम चिह्नट करवा कह ए वन किए एठारे एक्स पाखे जी अच्छी सी हूँ ए वन एक्स पाखे किए अच्छी एक्स बै ए लिखाई एक्स सहित केते गुणिले गुणफल हम एक्स बै ए कही पार बिल्कुल ठीक वन बै ए बुझीला ना तो ये जो एक्स बै ए अच्छी ना या आम लिखिदार वन बै ए इंटु एक्स
बुझीगला ना वन बै ए रे एक्स गुणिले आम पाइबा एक्स बै ए तो एक्स पाखे किए अच्छी ना वन बै ए जो वन बै ए रही एक्स पाखे सी हूँ एक्स रहग बा ए वन बुझीगला तो ए वन हूँ वन बै ए बी वन किए वाई बै बी लिखाई मैंने वन बै बी हम बी वन बुझीगला से भाया सी वन किए सी वन चिन्ह पार बहुत सहज ये हूँ सी वन मैंने माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बुझीगला से भाया देख द्वितीय समीकरण पर ए टू किए अच्छी ए टू हूँ वन बै ए स्क्वायर बी टू किए अच्छी ना वन बै बी स्क्वायर एवं सी टू किए अच्छी ना माइनस टू सी टू किए अच्छी माइनस टू बुझीगला तो यठार आम ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू आ सी टू को चिह्नट कर देचु बर्तमान वज्र गुणन सूत्र प्रयोग करवा आ समीकरण समाधान करवा लेख वज्र गुणन सूत्रानुसार वज्र गुणन सूत्रानुसार वज्र गुणन कौन सूत्र अच्छी ना एक्स बै बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई बै सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू वन बै ए बी माइनस ए बी वन टू टू वन वन टू टू वन वन टू टू वन बुझीगला चलो बर्तमान एक्स डिवाइडेड बै बी वन जगह आम कौन लिखिपर बी वन जगह लिखा वन बै बी इंटू सी टू जगह कौन लिखिपर माइनस टू माइनस बी टू जगह कौन लिखिपर ना वन बै बी स्क्वायर इंटु सी वन जगह कौन लिखिपर ना माइनस ए प्लस बी बुझीगला इज इक्वल टू वाई बै सी वन जगह आम लिखा माइनस ए प्लस बी इंटु ए टू जगह कौन लिखिपर ए टू जगह लिखा वन बै ए स्क्वायर माइनस सी टू जगह कौन लिखा ना माइनस टू इंटु ए वन जगह कौन लिखा ना वन बै ए बुझीगला इज इक्वल टू वन बै ए वन बी टू ए वन जगह कौन लिखा वन बै ए लिखा बी टू जगह कौन लिखा ना वन बै बी स्क्वायर माइनस ए टू जगह कौन लिखा ना वन बै ए स्क्वायर इंटु बी वन जगह कौन लिखा ना वन बै बी बुझीगला चलो बर्तमान समाधान करी करी जीबा आगो को एक्स डिवाइडेड बै आम पाइबा ये जीव माइनस टू बै बी बुझीगला ये जीव माइनस टू बै बी एठी जीव माइनस माइनस प्लस अरे माइनस वन बै बी स्क्वायर रे जदि आम माइनस ए प्लस बी को गुणन करवा तो माइनस माइनस प्लस हो प्रथम आउ एठे रहइबो ए प्लस बी डिवाइडेड बै बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बै देख ये जीव आमर माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बै ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हम टू बै ए दुई के दुई डिवाइडेड बै ए दुई बै ए इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बै ये जीव वन बै ए बी स्क्वायर माइनस ये जीव वन बै ए स्क्वायर बी बुझीगला चलो बर्तमान देख एक्स डिवाइडेड बै तले आमर लसागु आसजिबो बी आउ बी स्क्वायर लसागु आसजिबो बी स्क्वायर बी रे केते गुणिले बी स्क्वायर बी रे बी गुणिले बी स्क्वायर तो माइनस टू रे भी बी गुण माइनस टू रे बी गुणिले आमे पाइबा माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर रे केते गुणिले बी स्क्वायर रे वन गुणिले बी स्क्वायर तो ए प्लस बी रे भी वन गुण ए प्लस बी रे वन गुणिले आमे पाइबा से ए प्लस बी बुझीगला इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय तले आमर लसागु आसजिबो ए स्क्वायर आउ ए रसागु आसजिबो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रे केते गुणिले ए स्क्वायर ना वन गुणिले ए स्क्वायर रे वन गुणिले ए स्क्वायर तो माइनस ए प्लस बी रे भी वन गुण आम पाइबा से ही माइनस ए प्लस बी अर्थात माइनस ए माइनस बी बुझीगला ना एबे बंधनी अपसारण करदे तुम्हें पाइब माइनस ए माइनस बी प्लस ए रे केते गुणिले ए स्क्वायर ए रे ए गुणिले ए स्क्वायर तो टू रे भी ए गुण टू रे ए गुणिले आम पाइबा टू ए इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बै एटी तले आमर लसागु आसिबो ए बी स्क्वायर आउ ए स्क्वायर बी रो लसागु आसिबो ए स्क्वायर बी स्क्वायर केते आसिबो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बुझीगला ना तो ए बी स्क्वायर रे केते गुणिले ए स्क्वायर बी स्क्वायर आसिबो ए गुणिले आसिबो ए बी स्क्वायर रे जदि आमे आउ गोटे ए गुणी दबा आमको मिलिबो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक रे भी ए गुण एक रे ए गुणिले आमे पाइबा ए माइनस ए स्क्वायर बी रे केते गुणिले ए स्क्वायर बी स्क्वायर हिजिबो
ए स्क्वायर बी रे केते गुणिले ए स्क्वायर बी स्क्वायर हे जीवो बी गुणिले तो एक रे भी बी गुण एक रे बी गुणिले हम पाइबा बी बुझिएला ना तो एकु जदी हम उल्टे दबा माने 1 बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जदी हम उल्टे दबा हम पाइबा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बुझी हुई ना जमीती की देख 1 बाई 2 बाई 3 या आम कमी लिखिपर 3 बाई 2 ठीक से भाया 1 बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर या आम एम लिखिपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी मुझे डायरेक्ट लिख दूची ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बुझीगला ना चलो बर्तमान आम पाइबा एक्स डिवाइडेड बाई एटी कौन आसब ए माइनस टू बी प्लस बी हो माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई देख टू ए माइनस ए हो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बुझीगला ना चलो बर्तमान आम कौन करवा ना कंपेयर करवा तुलना करवा एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सहित तुलना करवा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ये दुटा सामान ना सबुटा सामान ये तीन टा जाक पद परस्पर सहित सामान तो प्रथम आम नवा एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई बी स्क्वायर इज इक्वाल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बुझीगला तो मुझे लिखुची एठारे एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई बी स्क्वायर इज इक्वाल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी तो यही पदटा आर पाक जाइए कौन हो गुण नहीं ना एक्स तले हरण होर पाक गले कौन हो गुण नहीं तो आम पाइबा एक्स इज इक्वाल टू ए माइनस बी बाई बी स्क्वायर आर पाक जाइए गुण नहीं तो आम पाइबा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी गुणन ए माइनस बी बाई बी स्क्वायर बुझीगला तो बी स्क्वायर सहित बी स्क्वायर को कैनसल कर ए माइनस बी सहित ए माइनस बी को कैनसल कर तुम्हें पाइब केवल ए स्क्वायर एक्स रान आम के पाइबा ए स्क्वायर एक्स रान के पाइबा ए स्क्वायर बुझीगला ठीक से भाया जदि आम द्वितीय पद को ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी सहित तुलना करवा तेज आम वाई रान बाहर करदे जगह कहीं ना जगह एक्स रान बाहर करदे एम वाई रान बाहर करवा मु प्रथम रू कि जिनस लिभे दूची या तो तुम्हें बुझी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू आ टू केमी बाहर तो मुझे लिभे दूची देख मुठी तुलना करी वाई बाई ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर सहित ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी को लेख पुणी वाई बाई ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी तो वाई तले यही पदटा हरण हो मैंने ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर हरण होर पाक गले गुणन हो बुझीगला ना तो आम पाइबा वाई इज इक्वाल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी गुणन ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर बुझीगला तो ए स्क्वायर सहित ए स्क्वायर को कैनसल कर ए माइनस बी सहित ए माइनस बी को कैनसल कर तुम्हें पाइब वाई इज इक्वाल टू बी स्क्वायर वाई इज इक्वाल टू बी स्क्वायर बुझीगला तो आम पाइबा एक्स इज इक्वाल टू ए स्क्वायर एवं वाई इज इक्वाल टू बी स्क्वायर बुझीगला तो एथस तो बीट फोर प्रश्नर समाधान सरी जाइए देख बीट सिक्स प्रश्न बहुत सहज अच्छी प्रश्न को टे लक्ष्य कर प्रश्न कहुच्चे फोर एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वाल टू जीरो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस थर्टी फाइव इज इक्वाल टू जीरो तो एठारे तुम ए वन बी वन आउ सी वन को चिह्नट कर ए टू बी टू आउ सी टू को चिह्नट कर देख ये हूँ समीकरण एक ये हूँ समीकरण दुई कह दुईटी समीकरण ए वन किए ए वन है फोर बी वन किए बी वन है माइनस नाइन एवं सी वन किए सी वन ना एठार किसी तो सी वन जगह आम लिखा जीरो तापर देख ए टू किए अच्छे एठारे ए टू हूँ थ्री बी टू किए बी टू हूँ टू एवं सी टू किए सी टू हूँ माइनस थर्टी फाइव चलो बर्तमान आम कौन करवा ना वज्र गुणन सूत्र प्रयोग करवा लेख वज्र गुणन सूत्रानुसारे वज्र गुणन सूत्र अनुजाई आम लिखिपर एक्स बाई बी सी माइनस बी सी इज इक्वाल टू वाई बाई
CA माइनस CA इज इक्वल टू 1 बाई AB माइनस AB. 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. बुझेला? चलो वर्तमान x डिवाइडेड बाई B1 जगह कौन लिखी परिवा? B1 जगह लिखिबा माइनस 9 इंटू C2 जगह कौन लिखिबा? माइनस 35 माइनस B2 जगह लिखिबा हमें 2 आउ C1 जगह लिखिबा 0 तो 2 इंटू 0 बुझेला इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 जगह लिखिबा 0 A2 जगह कौन लिखिबा? A2 जगह लिखिबा 3 माइनस C2 जगह कौन लिखिबा? C2 जगह लिखिबा माइनस 35 इंटू A1 जगह कौन लिखि परिबा? A1 जगह लिखिबा 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A1 जगह लिखो 4 इंटू B2 जगह लिखो 2 माइनस A2 जगह लिखो 3 इंटू B1 जगह लिखो माइनस 9. चलो वर्तमान समाधान करिबा x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जीव 35 रे 9 गुण 35 गुणन 9 9 पंचा 45 5 बसी 4 9 3 27 28 29 30 31 माने 315 माइनस माइनस प्लस हो जीव प्लस 315 वियोग 2 रे 0 गुणिले 0 तो 315 रु जदि हमें 0 वियोग करिबा वियोग फल सेई 315 ही आसीबो बुझियाला ना. चलो इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 0 गुणन 3 ही जीव 0 माइनस माइनस ही जीव प्लस 35 गुणन 4 35 रे 4 गुणल देखिबा 35 गुणन 4 4 5 20 0 बसी 2 4 3 12 13 14 140 तो y डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय केते ही जीव 4 2 8 माइनस माइनस प्लस ही जीव 8 प्लस 93 ही जीव 27 27 युक्त 8 केते ही जीव 35. चलो लेखो 35 बुझियला ना. चलो वर्तमान हमें तुलना करिबा x डिवाइडेड बाय 315 इज इक्वल टू 1/35 बुझियला ना. सब गुडा समान अछि तो हमें लिखि दे परिबा एठारे x डिवाइडेड बाय 315 इज इक्वल टू 1/35 वर्तमान x रो मान हमें पाई जिबा 315 डिवाइडेड बाय 35 35 रे केते गुणिले 315 35 रे 9 गुणिले 315 तो 35 नुआ तो हमें एठारे x रो मान पाई जिबा 9 बुझियला ना. सेई भलिया हमें तुलना करिबा y डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 1/35 लेखो पूणी y डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 1/35 ताहाले y रो मान कोन आ जिवो ना 140 डिवाइडेड बाय 35 35 रे काटो देखिबा 35 रे 4 मल्टीप्लाई करले आमे पाइबा 140 तो 35 रे 4 गुणिले आमे पाइबा 140 तो y इज इक्वल टू 4 y रो मान केते पाइबा 4 तो x रो मान आमे पाइबा 9 एवं y रो मान पाइबा 4 बुझियला. तो एथि सहित अनुशीलनी 1b रो क्वेश्चन नंबर 3 रो समाधान सरी जाइछि. आजिरो क्लास को आमे एठी रखिबा. धन्यवाद.